हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपकी ये जो दूसरी क्लास है ना, ये दूसरी क्लास में हम आपको शिक्षा के विषय में, मैंने पहले चैप्टर में आपको काफ़ी कुछ बताया था, वर्तमान भारतीय समाज जो आपका पेपर है उस पेपर के अंतर्गत आज आपको ये दूसरी क्लास मिलने वाली है। पहली क्लास जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है वो लोग पहली क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि इसका जो बेसिक है वो हमने आपको पहली क्लास में समझाया हुआ है। आज इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है, उसके बारे में चर्चा यहाँ से प्रारंभ होगी। देखिए, शिक्षा के महत्व के विषय में अगर बात करें, आप सब लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा का क्या महत्व है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आजकल का परिवेश कैसा हो गया है। यदि हम शिक्षित नहीं हैं तो हमें नाना प्रकार से कई लोग हमें मूर्ख बना सकते हैं, चाहे वो सरकारें ही हों, चाहे वो व्यक्ति हों, चाहे कोई समाज हो। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हमारे घर वाले ही हमें लूट लेते हैं, परिवार वाले ही लूट लेते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि एक बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, यानी कि उसके पूर्वजों के पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन क्या है, वो पढ़ा लिखा ना होने के अभाव में सारी संपत्ति उसके रिश्तेदारों ने ले ली। तो इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है। पढ़ा लिखा होने का मतलब से केवल किताबी ज्ञान से नहीं है कि हम केवल किताबी ज्ञान ले लिए तो हम पढ़ लिख गए। देखो, शिक्षा के महत्व की अगर बात करें तो मानव को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। मानव का अस्तित्व शिक्षा के बिना वैसा ही है जैसा बिना पतवार के नाव। एक नाव ऐसी ढील दी, नाव जो है वो ऐसी छोड़ दी गई, चाहे गंगा में किसी नदी में, और पतवार नहीं है तो क्या वो किनारे लग पाएगी? नहीं लग पाएगी। शिक्षा के महत्व अनेक दृष्टिकोण से हैं। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके इसका चारित्रिक निर्माण करती है, अर्थात मानवता का पाठ पढ़ाती है। अगर हम लोग शिक्षित नहीं हैं, चारित्रिक नहीं हैं, हमारा चरित्र अच्छा नहीं है तो हमें पढ़े लिखे होने का भी कोई मतलब नहीं बनता है ना। इसका कार्यक्षेत्र इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनको पूरा करने से व्यक्ति अपने जीवन का सुखी तथा सफल बनाते हुए सामाजिक कार्यों को उचित समय पर पूरा करने के योग्य बन जाता है। शिक्षा मानवीय जीवन में व्यक्ति को जहाँ एक ओर वातावरण के अनुकूल करने तथा उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हुए भौतिक संपन्नता को प्राप्त करके चरित्रवान, बुद्धिमान, वीर तथा साहसी उत्तम नागरिक के रूप में आत्मनिर्भर बनाकर उनका सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण का मतलब होता है सभी प्रकार का विकास। वहीं दूसरी ओर शिक्षा क्या करती है, राष्ट्रीय जीवन में व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय एकता, यानी कि हम पूरा एक देश यूनिटी में हैं, है ना, भावात्मक एकता, सामाजिक कुशलता और राष्ट्रीय अनुशासन आदि भावनाओं को विकसित करके इस योग्य बना देती है कि वह सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए राष्ट्र हित में प्राथमिकता देने के लिए उत्प्रेरित होता जाता है। जैसे कई लोग होते हैं जो अपने देश, धर्म, अपने सभी के लिए बहुत आगे रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने देश के लिए खड़े रहते हैं कि नहीं, अब सबसे पहले हमारा देश है, हम रहें या ना रहें लेकिन हमारा देश रहना चाहिए। तो ये क्या है, ये राष्ट्रीय एकता की भावना भी शिक्षा से ही जागृत होती है। शिक्षा सामान्य तथा राष्ट्रीय जीवन में इतने कार्य करती है कि जिससे व्यक्ति तथा समाज निरंतर उन्नति के शिखर पर चढ़ते रहते हैं। महत्व की दृष्टि से शिक्षा के कार्य निम्नलिखित प्रकार से विभक्त किए गए हैं। जैसे देखो भाई, कैसे विभक्त किए गए हैं शिक्षा के कार्य, कैसे किए गए हैं, देख लीजिए। ये हैं व्यक्ति संबंधी, समाज संबंधी, राष्ट्र संबंधी और वातावरण संबंधी। देखो, आंतरिक शक्तियों का विकास करना, व्यक्ति संबंधी यानी कि हमारे अंदर जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको डेवलप करना, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, भावी जीवन की तैयारी करना, नैतिक उत्थान करना, ये इंडिविजुअल हैं, मानवीय गुणों का विकास करना, आत्मनिर्भर बनाना। सामाजिक में क्या आ जाएगा, सामाजिक नियमों का ज्ञान होना चाहिए, प्राचीन साहित्य का ज्ञान होना चाहिए कि प्राचीन समय में कैसी प्रथाएं थी, कैसे लोग जीवन यापन करते थे, कैसे रहते थे, क्या प्रक्रियाएं चलती थी। कुरीतियों के आवरण में सहायक, जो कुरीतियाँ हैं समाज में उनको हम ढकें, उनसे बचें। सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक उन्नति में सहायक, है ना। और राष्ट्र संबंधी क्या है, भावात्मक एकता होनी चाहिए, है ना, कुशल नागरिक होने चाहिए, राष्ट्रीय डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, राष्ट्रीय एकता की तरफ ध्यान देना चाहिए।
वातावरण से क्या है, वातावरण से समायोजन और वातावरण का अनुकूलन कि जैसा देश वैसा वेश हमें करना चाहिए। अब इसके बाद देखो, नैतिक उत्थान हो गया, मानवीय गुणों का विकास करना, आत्मनिर्भर बनाना, सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना और जन्मदात प्रकृतियों में सुधार करना। तो ये सभी प्रकार के शिक्षा के उद्देश्य हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार से। अब ज़रा इसको एक बार और देख लेते हैं। देखो, मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। बिना उद्देश्य के हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है, हम डीएलएड कर रहे हैं लेकिन पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है, तो क्या है, हम सफल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। बिना उद्देश्य के तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। यदि लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति की क्रिया उस समय तक उत्साहपूर्वक चलती रहती है जब तक वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। जैसे जैसे लक्ष्य निकट आता जाता है वैसे वैसे क्रियाओं में निरंतर अंतर आता रहता है। अंत में एक ऐसा समय आ जाता है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और इस लक्ष्य के प्राप्त करने के ही, जो लक्ष्य जैसे प्राप्त हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उद्देश्य। तो अब ये भी आप समझ गए हैं, है ना। अब देखो, अब यहाँ आता है उद्देश्यों का वर्गीकरण कि अगर उद्देश्य भी हैं तो उद्देश्य कैसे हैं। एक है उद्देश्य आपका सामान्य उद्देश्य, दूसरा है आपका विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा है आपका वैयक्तिक उद्देश्य और चौथा है आपका सामाजिक उद्देश्य। अब देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। शिक्षा के उद्देश्यों के विभिन्न रूप होते हैं लेकिन ये उद्देश्य देश काल तथा परिस्थिति में अनुसार बदलते रहते हैं। इसका निर्धारण समय विशेष की आवश्यकता और शिक्षा की उपयोगिता के आधार पर होता है। अब देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। देखो, सामान्य उद्देश्य में क्या है, शिक्षा हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है। उसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाओं, विचारों तथा ज्ञान आदि में परिवर्तन होता है, जिससे क्या है, वह जीवन को सुखमय एवं शांतिमय व्यतीत कर सकता है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं सामान्य उद्देश्य, देख लो ज़रा। चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य, अपना चरित्र का निर्माण करना और जो विकास है उसका उद्देश्य लेके चलना। शारीरिक विकास का उद्देश्य, ये सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत आएंगे। ज्ञान संबंधी उद्देश्य, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, संस्कृति जो है विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, संतुलित विकास का उद्देश्य, पूर्णतामय जीवन का उद्देश्य, नागरिकता के उद्देश्य, अनुकूलन तथा समायोजन का उद्देश्य और आत्मा व्यक्ति का उद्देश्य, इसके साथ आत्मानुभूति का उद्देश्य और अवकाश के उपयोग का उद्देश्य। ये तो हो गया सामान्य उद्देश्य। अब चरित्र निर्माण एवं विकास उद्देश्य क्या है। देखो भाई, सामाजिक जीवन अथवा धार्मिक जीवन में व्यक्ति का चरित्रवान होना आवश्यक है। जैसे आप लोग देखते हैं कि समाज में यदि आप चरित्रवान नहीं हैं तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। धार्मिक जीवन में बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा हुए हैं, साधु महात्मा तो हैं लेकिन क्या है, वो चरित्र के बहुत गंदे हैं। व्यक्ति को जवान का पक्का और लगाम का सच्चा होना चाहिए। और दूसरी चीज़, यदि आप सामाजिक जीवन में, हम सब लोग सामाजिक जीवन में, इससे कोई बचा हुआ नहीं है। अगर आप कहीं निकल जाएं हिमालय पे कि भैया हमें समाज से कोई मतलब नहीं है, फिर आप चरित्रवान ना भी रहें तो कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई और होगा नहीं आपके सिवा, है ना। तो आप अगर सामाजिक जीवन में हैं, आप अगर धार्मिक जीवन में हैं तो आपका चरित्रवान होना आवश्यक है। अंग्रेजी के विद्वान ने कहा है कि यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ खो दिया। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। यानी कि अगर आपने चरित्र को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। संस्कृत की भी सूक्ति है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, अर्थात चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में शिक्षा सर्वाधिक योगदान देती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप चरित्रवान होंगे ही होंगे। मानव को मानव बनाकर रहना सिखाना शिक्षा का परम लक्ष्य है। यदि व्यक्ति का चरित्र ऊंचा है तो वह सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर को उच्चता के शिखर पर पहुंचा सकता है। लेकिन अगर चरित्र ही अच्छा नहीं है तो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। अब देखिए, ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है। चरित्र व्यक्ति के अन्य विकासों को भी प्रभावित करता है। अगर आपके और भी डेवलपमेंट के सोर्सेज हैं तो उनको भी वो प्रभावित करेगा, है ना। इसके बाद देखो, व्यक्ति में मानवीय विचार उत्पन्न होते हैं।
अच्छा चरित्र मनुष्य के व्यवहार एवं जीवन दर्शन में दृढ़ता लाता है। व्यक्ति के विचारों में शुद्धता आती है अगर आप चरित्रवान हैं। चरित्रवान व्यक्ति दूसरे के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। चरित्र ही मानवता तथा पशुता की सीमा निर्धारण करता है और व्यक्ति का चरित्र ही सभ्यता एवं संस्कृति का रक्षक और पोषक होता है। वह अगली पीढ़ी को सभ्यता निर्गमित करता है, जो आने वाली पीढ़ी है उसको बताता है कि हमारे संस्कार क्या हैं। अगर अब हम लोग उपद्रव धरने लगें तो हमारे जो बाल बच्चे होंगे, जो पीढ़ियाँ देखेंगी हमको, वो क्या करेंगे? वो शांत बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, है ना। तो ये ध्यान देने योग्य बिंदु है। अब देखो, शारीरिक विकास का उद्देश्य क्या हो सकता है? बालक का शारीरिक विकास शिक्षा स्वयं नहीं करती है, बल्कि शिक्षा शरीर के विकास में सहायता अवश्य करती है। अरस्तु का कथन क्या है? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विद्वान होता है। यानी कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ होगा। हेल्दी माइंड इज ए हेल्दी बॉडी, है ना। अब देखो, यह शिक्षा की आरंभिक अवस्था से है। शारीरिक विकास ही अन्य सभी उद्देश्यों का आधार है। स्वस्थ नागरिक अपने देश, समाज तथा परिवार के सम्मान के रक्षक होते हैं। शारीरिक विकास मनुष्य के मस्तिष्क को बलिष्ठ बनाता है। अस्वस्थता समाज के लिए कलंक होती है, जिससे समाज की निर्बलता की झलक आती है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप निर्बल समझ में आएंगे। अतः शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य की इच्छा, आत्मविश्वास और साहस आधार होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। अब देखो, ज्ञान संबंधी उद्देश्य क्या है? विद्वान सर्वत्र पूजते, अर्थात विद्वान की हर जगह पूजा होती है। विवेकशील पुरुष का सर्वत्र, हर यानी कि हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को विभिन्न विषयों के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रदान करता है। शेक्सपियर ने क्या कहा है? ज्ञान ही स्वर्ग तक उड़ान में पंखों का आधार है। अब देखो, जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्या कहलाता है? अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी जीविका संचालित करने के योग्य बने। हम पढ़ लिख खूब जाएं, लेकिन अगर हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास धंधा नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है धन अर्जित करने का, पैसे कमाने का, तो ये भी तो गलत बात है ना कि भाई हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भोजन भी आवश्यक है। यदि वह स्वयं को संसार में समायोजित करना चाहता है अथवा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, तो जीविका कमाना आवश्यक होता है, अन्यथा वह समाज पर एक बोझ बनकर रह जाता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बालकों की व्यावसायिक रुचियों को विकसित करके एक सही दिशा का पथ प्रदर्शन कर सकती है। शिक्षा ही बालक को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करती है। वह व्यावसायिक क्षेत्र में संतोषजनक उन्नति करता है और अपने क्रियाकलापों से व्यवसाय, समाज तथा राष्ट्र को उन्नतशील बनाता है। यानी कि आप पढ़े लिख गए, आपके पास रोजगार नहीं है तो क्या फ़ायदा, बोलो? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। इतना सबको समझ में आया? आगे देखो, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य क्या है? शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है। जो शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति मानव जीवन की आधारशिला और प्रारंभिक वस्तु है, जिससे ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा तथा अन्य योग्यताएं और आदतें सम्मिलित हैं, जिनको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। शिक्षा के इस उद्देश्य के द्वारा शिक्षा के अन्य उद्देश्यों को बल मिलता है तथा व्यक्ति के विकास के साथ साथ परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होता है और संस्कृति को एक नवीन मोड़ मिलता है। नवीन का मतलब होता है एक नया मोड़ मिलता है। अब देखो, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के आदर्शवादी विचारकों का मत है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास करना है। उन्होंने बालक की भौतिक उन्नति को उद्देश्य नहीं माना है। आध्यात्मिकता बालक के विचारों में पवित्रता लाती है। व्यक्ति को आध्यात्मिक भी होना चाहिए, उसकी चिंतन शक्ति का विकास करती है। आध्यात्मिकता व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति को जागृत करके
व्यक्त के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती है, जिससे बालक समाज विरोधी कार्य नहीं करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास धनात्मक पक्ष में ले जाता है। उसमें भाईचारे, त्याग तथा सहयोग की भावना का विकास होता है। अब इसके बाद देखो संतुलित विकास का उद्देश्य क्या है। व्यक्ति के संतुलित विकास के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भावात्मक एवं कलात्मक आदि पक्षों का विकसित करना है। व्यक्ति की शक्तियों एवं क्षमताओं को संतुलित विकास आवश्यक है ना। अगला उद्देश्य है पूर्णता में जीवन का उद्देश्य। पूर्णता में जीवन का उद्देश्य क्या है? शिक्षा जब व्यक्ति का संपूर्ण विकास करती है तो उससे जीवन पूर्ण रूप से सुखमय एवं शांतिमय हो जाता है। यह वैज्ञानिक विचारधारा से प्रभावित होता है। स्पेंसर ने क्या कहा है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हमें वह क्षमता प्रदान करना है जिसके द्वारा हम जीवन पूर्ण व्यतीत कर सकते हैं, है ना। अब देखो अगला उद्देश्य है नागरिकता के उद्देश्य क्या है। अच्छे नागरिक का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। अगर हम लोग अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें शिक्षा का होना हमारे लिए अति आवश्यक है। परंतु केवल नागरिकता में राष्ट्रीय भावना की ही शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास भी आवश्यक होता है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व ही हमारे पृथ्वी के समान, हमारे परिवार के समान है, है ना, तो क्या है विश्व में शांति की स्थापना हो सके। समायोजन का उद्देश्य क्या है? शिक्षा व्यक्ति को समाज, राष्ट्र, काल, देश आदि के साथ अनुकूल तथा समायोजन करना सिखाती है। शिक्षा बालक के बौद्धिक विकास के साथ साथ उसके सदुपयोग पर भी बल देती है, जिससे विषम परिस्थितियों में समायोजन किया जा सके। बालक के विद्यालयी, प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरणों से समायोजन करने में सहायक होती है। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा बालक के वातावरण कारक एवं परिणामों को जान सकता है और नवीन प्रयोगों के आधार पर वातावरण में वह परिवर्तन कर लेता है। आत्माव्यक्ति का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के इस उद्देश्य के द्वारा बालक को अपनी योग्यता की प्रदर्शन का अवसर प्रदान होता है। आत्माव्यक्ति यानी कि अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति को व्यक्त करना। शिक्षा के माध्यम से ही आदर्श प्रदर्शन संभव है। अतः शिक्षा द्वारा बालक का स्वाभाविक विकास होना चाहिए। उसकी जिज्ञासा एवं आत्मगौरव को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। आत्मानुभूति क्या है? शिक्षा के इस उद्देश्य के द्वारा बालक अपने विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है और अपनी कमियों को कम करके अपनी क्षमताओं एवं रुचियों को बढ़ावा देता है। इससे क्या होता है? आध्यात्मिकता को बल मिलता है और उसके विचारों में शुद्धता आती है। बालक में सर्वोत्तम गुणों का भी विकास होता है। किससे होता है? ये आत्मानुभूति का उद्देश्य है। अगला क्या है? अवकाश के उपयोग का उद्देश्य। ये भी उद्देश्य देख लेते हैं। शिक्षा का यह बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि खाली समय का सदुपयोग किया जाए। आप लोग क्या करते हैं? खाली समय का उपयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। खाली समय मिल जाता है तो बतियाने लगते हैं, है ना। अतः बालकों में खाली समय में रचनात्मक कार्यों के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए और उनकी रुचियों को संगीत, कला, चित्रकला आदि, नृत्य आदि की तरफ मोड़ देना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा एक महत्वपूर्ण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए। अतः शिक्षा व्यक्ति को व्यवहारिक बनाती है, जिससे उसका पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन संपन्न हो सके और देश के स्तर को ऊँचा उठा सके, है ना। ये इसके सामान्य उद्देश्य हो गए। क्या हो गए? ये इसके सामान्य उद्देश्य हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो इसका पार्ट 3 आएगा उसमें शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा और जो ये लोग ये किताबें डाउनलोड करना चाहते हैं वो लोग ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और कोर्स वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको ये किताबें फ्री में डाउनलोड मिल जाएंगी। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा और जो विद्यार्थी अगर टेलीग्राम पर अभी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर भी वनीस एकेडमी सर्च करके टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल जो हमारा है वो है MANISH
बिना स्पेस के आपको SAHAR ये सर्च करना है तो आपको इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा। सारी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।